लखनऊ में मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई अभद्रता के बाद सीतापुर के पत्रकारों में रोष। उत्तर प्रदेश की राजधानी कही जाने वाली लखनऊ में नामांकन के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ की गई अभद्रता की गूंज सीतापुर तक पहुंच गई है। यहां के पत्रकारों ने रोष व्यक्त करते हुए यूपी के पुलिस महानिदेशक एवं भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा अपनाई जा रही हिटलर शाही कार्यशैली को रोके। पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके के दुर्व्यवहार पूर्ण कार्यवाही उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। उपजा की सीतापुर इकाई के जिलाध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आज लखनऊ कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान पुलिस के कुछ अधिकारियों द्वारा पत्रकारों एवं फोटो जर्नलिस्ट के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, इसका वीडियो वायरल हुआ है। निश्चय ही ये बहुत निंदनीय घटना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव में एक तरफ जहां हम लोग लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं वहीं पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया यानी प्रेस को लगातार छत पहुंचाने का प्रयास और उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह स्वस्थ घटनाएं नहीं हैं। जब तक प्रेस एवं मीडिया के लोग स्वतंत्र होकर के खबरों का संकलन नहीं कर पाएंगे, लोकतंत्र की मजबूती कैसे दिखाई पड़ेगी? इस घटना के विरोध में हम सभी यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के लोग एकजुट होकर के एक निंदा प्रस्ताव पास किए हैं और सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करते हैं। सरकार से हमारी यह भी मांग है कि वह पुलिस अधिकारियों को, चुनाव आयोग से भी यह मांग है कि वह पुलिस अधिकारियों को एवं चुनाव में लगे कर्मियों को ऐसे निर्देश जारी करें कि वह मीडिया के साथ सम्मान के साथ पेश आए। अगर इसी तरह की घटनाएं घटती रहीं तो निश्चय ही नाम मात्र का लोकतंत्र रह जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है। सभी पत्रकार जगत से संबंधित सभी संगठनों ने व पत्रकार बंधुओं ने इसकी निंदा की है। धन्यवाद।